बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के बेटमा जिले में प्रदेश के ऐतिहासिक दशहरे के रूप में अपनी पहचान बनाने वाला बेटमा का दशहरा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। माँ अमन चमन विकास मंच एवं सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति बेटमा द्वारा वर्षों पुरानी परंपरा को निभाते हुए दशहरा मनाया गया, जहां घुड़दौड़, निशानेबाजी प्रतियोगिता आयोजित कर अंत में मनमोहक आतिशबाजी कर करीब 73 फुट ऊंचे रावण का दहन किया गया। कार्यक्रम में खेल एवं उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी, क्षेत्रीय विधायक विशाल पटेल मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। इससे पूर्व दोपहर 3 बजे पूरा बाजार से गाजे बाजे के साथ चल समारोह निकला, जो नगर भ्रमण के बाद अमन चमन टेकरी दशहरा मैदान पहुँचा। जुलूस के दौरान अतिथि प्रतियोगी घोड़ों पर सवार थे। जुलूस का अनेक जगहों पर स्वागत किया गया, जिसमें घोड़ियों का नृत्य व आदिवासियों का नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। जुलूस समापन के बाद 3 चक्रों में घोड़दौड़ प्रतियोगिता संपन्न हुई। स्पर्धा के दौरान 300 मीटर दूरी की दौड़ होती है, जिसमें घुड़सवार को 150 मीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ना पड़ती है। सबसे पहले बड़े घोड़े, उसके बाद छोटे घोड़े व अंत में ग्रामीण क्षेत्रों के घोड़ों की स्पर्धा हुई, जिसे देखने के लिए लोग भारी संख्या में मौजूद थे। घुड़दौड़ के बाद निशानेबाजी प्रतियोगिता हुई। इस स्पर्धा के दौरान चयनित 13 निशानेबाजों ने 200 मीटर दूरी पर रखी मटकी पर निशाना लगाया। इस दौरान करीब 70 फायर किए गए, जहां निशाना लगाकर महावीर सिंह चौहान ने मटकी फोड़ दी। दूसरी मटकी भी महावीर सिंह चौहान ने फोड़ दी। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मैं इस प्रतियोगिता में परोक्ष अपरोक्ष रूप से यहां पर आता हूं और मैं 3 बार का यहां पर विजेता हूं और बहुत अच्छी यहां पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता होती है बेटमा के अंदर में, और ये परंपरा सदैव हमेशा चलती रहे ऐसा मैं सोचता हूँ। आपका नाम? महिपाल सिंह राठौर, ग्राम मोथला। बहुत ही शानदार तरीके से दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। यह दशहरा पूरे प्रदेश में ही नहीं, कई देशों में चर्चित रहा है। सबसे पहले चौराहे से घोड़ घोड़ियों का विशाल जुलूस निकलता है, उसके पश्चात घोड़ियों की रेसेस होती है, जिसमें 3 रेसेस होती है, तीनों को इनाम दिया जाता है। इसके पश्चात निशानेबाजी होती है, निशानेबाजी में भी पुरस्कार दिया जाता है। निशानेबाजी के बाद में आतिशबाजी के साथ में 51 मिनट से रावण का दहन किया जाएगा। बाहर से, दूर दराज से, कई इलाकों से नागरिक यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। दशहरे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 8 साल से मटकी फोड़ में, पिछले 5 साल पहले मेरे भाइयों ने मटकी फोड़ी थी, रणवीर सिंह एवं बहादुर सिंह ने, और पिछली 4 बार मैंने फोड़ी, और आज मैंने पहले भी मेरे व्यक्तियों में बता दिया 5वीं बार भी मैं फोड़ूँगा। और सौभाग्य की बात यह है कि मैंने एक साथ आज 2 मटकी एक के बार एक फोड़ी, और इस परंपरा को आगे भी हम चलाना चाहते हैं और बेटमा का दशहरा बहुत उत्सव से मनाना चाहते हैं, और ये परंपरा कभी बंद नहीं होना चाहिए। मेरा प्रशासन से अनुरोध है और ये कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, और ये इसी के, इस परंपरा के कारण ही यहाँ पे इतनी पब्लिक, 50,000 1 लाख की तादाद में जो पब्लिक आती है, इसी परंपरा के कारण और निशानेबाजी और घुड़दौड़ के कारण आती है। और हमारा रावला शुरू से इस परंपरा को निभाता आया और चलाता आया और बनाता आया। आपका नाम? मेरा नाम महावीर सिंह, पिता नरपत सिंह, बड़ा रावला, बेटमा। अमन चमन टेकरी पे दशहरे के कार्यक्रम का आयोजन होना है। यहाँ पे घुड़दौड़ का आयोजन होना है, जो लगभग 3 चरणों में होगा। उसके पश्चात हथियारों के द्वारा मटकी फोड़ का कार्यक्रम होगा, और उसके पश्चात रावण दहन का कार्यक्रम होगा। ये सारा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया जाना है, और करीब करीब 20 से 25 हज़ार की भीड़ यहाँ पे दर्शन के लिए और ये दशहरे के कार्यक्रम के आयोजन को देखने के लिए आने का अनुमान है। सर, सुरक्षा को लेकर क्या है यहाँ पर इंतजाम? सुरक्षा को लेकर यहाँ पे स्वयं SDOP साहब अपने थाना प्रभारियों के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इंदौर से भी अतिरिक्त बल प्रदान किया है, लगभग 70-80 का बल यहाँ पे आम जनता की सुरक्षा के लिए और कार्यक्रमों का शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन करने के लिए, साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी हम लोगों ने अतिरिक्त बल प्रदान किया है। के अनुसार
जो अमन चमन की टेकरी में इतना अथाह जनसमूह शायद पहली बार देखने के लिए मिला क्या? मैं समझता हूँ कि एक धर्म के प्रति जो आस्था है और माँ अमन चमन का एक आशीर्वाद जो यहाँ की जनता जनार्दन को जो प्राप्त होता है वो सबकी आस्था का एक केंद्र है और जो भाईचारे का एक आपस में जो प्रेम का एक मिसाल पेश करी है पूरे बेटमा के नगरवासी और सभी के आइड साइड के जितने भी गांव वाले हैं उन सब ने एक मिसाल पेश करी है। मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से ये भाईचारा आज कायम है आते हुए समय में भी ऐसा ही कायम सबके बीच में रहे। लेकिन आज एक विशेष चीज देखने को मिली जो लोगों में काफी उत्सुकता देखी, यहां के व्यापारियों में काफी उत्सुकता देखी, ऐसा किया? मैं जिस प्रकार जिस दिन से मैं विधायक बना मैंने पहले भी कहा था कि मैं समझता हूँ कि यहाँ का व्यापारी जिस प्रकार से बहुत पीड़ित था जो कि एक समय ऐसा है कि आज पिछले 5 सालों से कोई ना कहीं जूझ रहा है आर्थिक तंगी के कारण और उसको अगर चंदे का भार अगर आ जाए किसी भी धर्म के नाम पे या किसी भी मजहब के नाम पे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा बोझ रहता है अलग से। वो जैसे ही मैं बना हुआ पहले दिन ये तय कर लिया था कि यहाँ के लोकल जितने भी लोग हैं यहाँ के व्यापारी हैं उनसे चंदा वसूला ना जाए किसी भी प्रकार का। आपको करना हो कार्यक्रम तो ये भाई है छोटा, उन लोगों ने मुझे चुना है, मैं उस लायक हूँ, तो ये सब आयोजन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ के व्यापारियों को कभी भी किसी प्रकार के चंदे से निजात दिलाने का काम मेरा था जो मैंने दिलाया। प्रदेश में एकमात्र इस तरह का कार्यक्रम होता कहीं भी देखा नहीं जाता, एक अनोखी परंपरा होती क्या कहेंगे? ये एक आस्था का प्रेम है और एक आस्था जगती है और आस्था झलकती है आपस में सभी भाइयों के बहनों के, जो जिस प्रकार से महिलाओं का जो जनसमूह है वो अपने आप को खुद सुरक्षित समझती है इस माहौल में तो ही वो घर से निकलती हैं और ये माता जी का आशीर्वाद है। अमन चमन टेकरी पर बैठना के इस पावन भूमि पर बुराई का अंत और अच्छाई की विजय के साथ एक भाईचारे का पर्व जो साथ ही साथ अच्छी घुड़सवारी का तो प्रदर्शन होता ही है, निशानेबाजी का होता है, पर एक संदेश इस बात का कि सर्वधर्म संभाव क्या होता है, सब समाज सब संप्रदाय मिलकर रावण का अंत बुराई का अंत कैसे होता है और भगवान राम की मूल मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो जीवन शैली है उसको जीने के लिए परिवार कैसे अपनाता है इसका एक इससे अच्छा उदाहरण कहीं नहीं मिलता। मैं विशाल पटेल जी यहाँ के विधायक, उन्होंने ये आयोजन हर साल, इनके पिताजी कई सालों से परंपरा चलती आ रही है उसको और भव्य रूप देते हुए आगे बढ़ा, इसके लिए सबको दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बधाई देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की ग्यारसपुर तहसील में